All right. Good morning, students. So yesterday I gave you the reasons why economic reforms were adopted. I think we had discussed two reasons. One was high fiscal deficit. Another was BOP crisis. So I think we were discussing BOP crisis. सो बीओपी क्या होता है बेटे, सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये एक स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो हमारी गवर्नमेंट बनाती है टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन आवर कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो ऑल ऑफ यू नो हम गुड्स का इंपोर्ट करते हैं, गुड्स का एक्सपोर्ट भी करते हैं, हम सर्विसेज का इंपोर्ट करते हैं, सर्विसेज का एक्सपोर्ट भी करते हैं. ठीक है, 1991 तक मेनली गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, रादर सर्विसेज भी बहुत कम एक्सपोर्ट होती थी या इंपोर्ट होती थी. मेन हमारा जो ट्रांजेक्शन होती थी, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, दे वर मेनली रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. There were other transactions as well, ठीक है, जैसे कि foreign capital वगैरह, लेकिन वो ज्यादा क्योंकि हमने protectionism की policy adopt की हुई थी, हमारी बाकी countries के साथ ज्यादा transactions नहीं होती थी, right? So BOP एक statement है जो कि record करता है सारी transactions को, एक country की दूसरी countries के साथ जितनी भी transactions होती है उसको record किया जाता है. तो बेटे जितनी भी transactions जिसके करके हमारी फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होता है, कैन यू नेम एनी वन ट्रांजेक्शन विच लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? यस, एनी वन, नेम एनी वन ट्रांजेक्शन विच लीड्स टू द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम इंडिया. Import, let's say import of crude oil. We import crude oil from Saudi Arabia in order to meet our demands for petroleum, diesel. Yes, we import it. So when we import goods or services, we have to make them payment. Yes, it leads to outflow of foreign exchange. Now, any one transaction which leads to inflow of foreign exchange? Exports of goods and services. We export cotton, we export jute, agricultural products, diamonds, many more things from India. So when we make exports, we get foreign exchange in return. It leads to inflow of foreign exchange. Any country would like to be inflow of foreign exchange greater than outflow or vice versa? आपकी कंट्री है इंडिया, आप क्या चाहोगे कि फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो आउटफ्लो से ज्यादा हो या आउटफ्लो इनफ्लो से ज्यादा हो? यू वॉन्ट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज शुड बी ग्रेटर देन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दैट इज रिसीट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज शुड बी ग्रेटर देन पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. जब ऐसा होगा तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में माना जाएगा. ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर आपका आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है, यानी योर पेमेंट्स एक्सीड योर रिसीट्स, तो आपका बीओपी क्या माना जाएगा? डेफिसिट में माना जाएगा. ठीक है, सो हमारी कंट्री का बीओपी डेफिसिट में, इंडिपेंडेंस के बाद से डेफिसिट में आता जा रहा है, आ रहा था, लेकिन 1991 में सिचुएशन वर्स हो गई. It got from worst to worst. हमारा BOP बहुत ज्यादा deficit में चला गया, यानी हमारा foreign exchange का outflow बहुत ज्यादा exceed कर गया हमारे inflow से. ठीक है, receipts कम है, payment ज्यादा है, तो ये deficit हुआ ना. ठीक है, अब हालात इतने खराब थे हमारी country के कि वी है, हर कंट्री फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करके रखती है. पता आपको, एवरी कंट्री
मेंटेन्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, क्योंकि हर कंट्री को गुड्स इंपोर्ट करने हैं, बाकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है, तो जब दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो वो फॉरेन एक्सचेंज में होती हैं, मेनली इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। ठीक है, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो इतने कम पड़ गए थे उस टाइम पे कि उससे हम सिर्फ 2 हफ्तों का इंपोर्ट कर पाते। देयर आर सर्टन गुड्स विच वी नीड टू इंपोर्ट। आप खुद सोचो, अगर हमारे पास पैसे खत्म हो जाएं, हमारी गवर्नमेंट कहे कि भी हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं कर सकते, पैसे खत्म है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म है, हम अब क्रूड ऑयल नहीं इंपोर्ट कर सकते, तो आपके जो एक्टिवा कार सब बंद हो जाएंगी चलनी। कैन वी अफोर्ड दिस? ऐसी सिचुएशन हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और यही सिचुएशन आ गई थी। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने कम रह गए थे कि सिर्फ हम 2 वीक्स का इंपोर्ट उससे कर पाते। सो दिस लेड टू अवर गवर्नमेंट गो टू द वर्ल्ड बैंक एंड आस्क फॉर लोन। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक के पास गई और लोन की डिमांड की। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा, हम लोन तो दे देंगे लेकिन उसके लिए आपको अपनी इकोनॉमी में, अपनी पॉलिसीज में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने पड़ेंगे। सो हेंस द नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर नेसेसिटेटेड बिकॉज ऑफ बीओपी क्राइसिस। अनदर पॉइंट, फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर। हमारा जो पब्लिक सेक्टर था दैट वॉज अंडर लॉसेस, इट वॉज इनकरिंग लॉसेस। हमने जब पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की थी तो हमने ये सोचा था कि इससे जो रिटर्न आएगी उस रिटर्न को हम फर्दर इन्वेस्ट करके अपनी इकोनॉमी को ग्रो करते जाएंगे, लेकिन उलट काम हो गया। हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी उससे हमें रिटर्न मिलनी ही बंद हो गई, रादर हमें और पैसे उन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को रन करने के लिए गवर्नमेंट को अपनी पॉकेट से और पैसे निकालने पड़ रहे थे। इट्स जस्ट लाइक आपके पेरेंट्स ने आपको 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस खोल दिया और उन्होंने बोला कि भाई अब मेरे को रिटर्न 1 लाख रुपए महीना आपने देनी है। ठीक है, और ऐसा नहीं हुआ, आपने बिजनेस डुबो दिया और उसको सरवाइव करने के लिए आपके पेरेंट्स को फिर से 1 लाख रुपया उसमें डालना पड़ रहा है हर महीने। ठीक है, सो ऐसा क्यों हुआ? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बिल्कुल इनएफिशिएंट हो गए थे। ठीक है, उनमें करप्शन बहुत ज्यादा आ गई थी, वो डेड सोशल वेट थे हमारी इकोनॉमी के ऊपर। देवर काइंड ऑफ डेड सोशल वेट ऑन अवर इकोनॉमी। सो पब्लिक सेक्टर फेल हो गया, जिस करके हमें अपनी पॉलिसीज में, हमारी पॉलिसी क्या थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पब्लिक सेक्टर इज टू प्ले प्राइमरी रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एंड प्राइवेट सेक्टर टू प्ले सेकेंडरी रोल। सो क्या ये पॉलिसी काम की? नहीं की। पब्लिक सेक्टर तो लॉसेस में चला गया है ना, तो हम अब हमने क्या किया, रिवर्स कर दी पॉलिसी, हमने प्राइवेट सेक्टर को एक्सपेंड कर दिया और पब्लिक सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। दैट इज वन ऑफ द रिफॉर्म ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। एंड देन अनदर रीजन विच लेड टू यू नो अडॉप्शन ऑफ दीज रिफॉर्म्स वॉज हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। प्राइसेस बढ़ना अच्छा है किसी इकोनॉमी के लिए या बुरा है, मेरे को बताओ? जनरल प्राइस लेवल जब बढ़ता है, इज इट गुड? नॉट एट ऑल। अगर विद इन लिमिट बढ़े देन इट इज गुड। 3-4% हर साल प्राइसेस बढ़े, इट्स रियली गुड फॉर द इकोनॉमी। वाई? आई एम अ प्रोड्यूसर से ऑफ पेन्स। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 1990 में, तब 1 पेन ₹10 का था। आप कहते हो प्राइसेस बढ़ने नहीं चाहिए, आज 30 साल हो गए मुझे बिजनेस करते, वो पेन अभी भी ₹10 का है।
यानी मेरे को जितनी इनकम तब होती थी उतनी इनकम आज होती है, मेरा प्रॉफिट नहीं बढ़ा। इज इट मोटिवेटिंग और डीमोटिवेटिंग? डीमोटिवेट। ऑन दी अदर हैंड अगर हर साल पेन 2-3% बढ़ जाता है, मेरे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, आई विल बी मोटिवेटेड, आई विल प्रोड्यूस मोर, आई विल एक्सपैंड माई बिजनेस, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी। ऐसा कब होगा? अगर प्राइसेस विद इन लिमिट्स बढ़े। एनीथिंग विच क्रॉसेस लिमिट्स इज बैड। व्हाट हैपेंड इन 1991? प्राइसेस रोज टू डबल डिजिट, 16% रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो गया, गुड्स बिकेम अनअफोर्डेबल। सो अगेन इसको कंट्रोल करना जरूरी था या नहीं? सो इन ऑर्डर टू कंट्रोल द राइजिंग प्राइसेस सर्टन रिफॉर्म्स वर नीडेड इन द इकोनॉमी। सो आवर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देयर वर थ्री पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नेमली लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म विच इज लिबरलाइजेशन। व्हाट इज लिबरलाइजेशन? सिंपल डेफिनेशन बेटे, लिबरेटिंग। लिबरलाइजेशन इंप्लाइज लिबरेटिंग और गिविंग फ्रीडम टू इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। किसको फ्रीडम दी? लोगों को नहीं दी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। कहां से दी? फ्रॉम अननेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशंस, अननेसेसरी कंट्रोल्स। अब आप लोग बोलो हमें भी मैम लिबरलाइज कर दो, बहुत ज्यादा अब जब से हम बचपन से आए हैं वही टाइमिंग्स है, यहाँ वही रूल्स हमें फॉलो करना पड़ रहे हैं, हम बाहर नहीं जा सकते कैंटीन में, तो हमें भी लगा हाँ आपको लिबरलाइज करने की जरूरत है। लेकिन क्या हम आपको ये बोले अच्छा जब मर्जी स्कूल आओ, जब मर्जी जाओ, जो मर्जी पहनो, यूनिफॉर्म जरूरी नहीं है? जो अननेसेसरी कंट्रोल्स हमने आपके ऊपर लगाए हुए हैं उनको हटाएंगे, ठीक है? सो ऐसा ही गवर्नमेंट ने किया बेटे। गवर्नमेंट ने, अगर आपको याद हो 1956 की पॉलिसी, उसमें एक फीचर था रेगुलेटेड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया, प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट किया था, मतलब प्राइवेट सेक्टर में जो एंटरप्राइजेस थे उनको सेटअप करने के लिए, अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती थी, परमिशन लेने की जरूरत पड़ती थी। सो मेनी कंट्रोल्स वर इम्पोज्ड ऑन प्राइवेट सेक्टर, ठीक है? सो लिबरलाइजेशन इम्प्लाइज लिबरेटिंग इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री फ्रॉम अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रेगुलेशंस, राइट? क्लियर? सो व्हाट काइंड ऑफ यू नो मेजर्स वर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू लिबरलाइज ट्रेड एंड इंडस्ट्री? बेटे ये जो मेजर्स थे ये अलग अलग सेक्टर्स में लिए गए, तो हम इनको चार कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट बीइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स अंडरटेकन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। लेट्स सी व्हाट रिफॉर्म्स वर अंडरटेकन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। फर्स्ट, डी लाइसेंसिंग और एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग और एग्जम्पशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। लाइक आई टोल्ड यू, प्राइवेट सेक्टर हैड टू ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश इट्स अंडरटेकिंग। 1956 की पॉलिसी ने क्या कहा कि अगर प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्री सेटअप करनी है, डू यू रिमेंबर इंडस्ट्रीज वर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज थी विच कुड बी सेटअप ओनली बाय द पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट, रिमेंबर।
शेड्यूल बी में इंडस्ट्रीज कुड बी अंडरटेकन बोथ अंडर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बट न्यू फर्म्स कुड बी एस्टेब्लिश्ड ओनली बाय द पब्लिक सेक्टर. जो एग्जिस्टिंग प्राइवेट सेक्टर है वो काम करता रहे, गवर्नमेंट उसको कुछ नहीं कहेगी, लेकिन उसी एरिया में अगर कोई और प्राइवेट सेक्टर सेटअप करना चाहता है तो उसको परमिशन नहीं थी. न्यू इंडस्ट्रीज कुड बी ओपन ओनली अंडर पब्लिक सेक्टर. इसके अलावा बाकी जो इंडस्ट्रीज रह गई दैट कुड बी सेटअप बाय प्राइवेट सेक्टर, उसको कहते थे शेड्यूल सी इंडस्ट्रीज. ठीक है, अब ये जो इंडस्ट्रीज थी ये सेटअप तो हो सकती थी प्राइवेट, यानी हम जैसे लोग आप मैं हम ये वाली इंडस्ट्री सेटअप कर सकते थे, बट वी हैड टू ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट. आप सब एक्टिवा चला सकते हो लेकिन उसके लिए आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस में अगर लिखा है कि लाइट व्हीकल गियरलेस व्हीकल तो आप वही चला सकते हो, आप कार तो नहीं चला सकते. उस लाइसेंस के अकॉर्डिंग अगर आपको परमिशन है एक्टिवा चलाने की या स्कूटर चलाने की या मोटरसाइकिल चलाने की तो आप कार चला सकते हो. नहीं, अगर आपको कार चलानी है तो नया लाइसेंस. फिर आपको हैवी व्हीकल चलाना है, कमर्शियल ट्रक चलाना है, टेम्पू चलाना है तो कार वाला लाइसेंस चलेगा? नहीं चलेगा, उसके लिए आपको नया लाइसेंस लेना पड़ेगा. ऐसा ही यहां पे था बेटे. पहली बात, आपको अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, फिर उस लाइसेंस में लिखा होता था कि आप इसके इतने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैपेसिटी मेंशनड होती थी. अगर आपके गुड की डिमांड बढ़ जाती थी और आप कहते थे चलो हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपैंड कर लेते हैं, उसके लिए आपको फिर से लाइसेंसिंग ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे. ठीक है, अभी तक हम सिर्फ बात करते हैं लाइसेंस की, कि आपको लाइसेंस लेना पड़ता था. हमने क्या किया, 1991 में जब लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई उसमें एक प्रोविजन थी, नाउ दीज इंडस्ट्रीज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टेकिंग लाइसेंस. लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया एक्सेप्ट फॉर 18 इंडस्ट्रीज. अभी भी गवर्नमेंट ने अपने पास कितनी इंडस्ट्रीज रखी, 18. कहां बेटे, हंड्रेड्स थी, अब कितनी रहेगी, 18. कुछ सालों बाद गवर्नमेंट ने 18 से रिड्यूस करके उसको कितना कर दिया, 4. करेंटली एमसीक्यू में आ सकता है, हाउ मेनी इंडस्ट्रीज आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन लाइसेंस, 4, नेमली सिगरेट्स, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, स्पेसिफाइड डेंजरस केमिकल्स. देयर इज वन लिस्ट मेड बाय गवर्नमेंट जिसमें सम केमिकल्स डेंजरस कैटेगरी में, जी इट्स मेंशन इन द बुक, ओके, सिगरेट एंड लिकर, जस्ट वेट. So if there is a difference amongst different books, I will confirm it tomorrow. ठीक है? Okay. Let's see another reform undertaken in the industrial sector. It is contraction of public sector. IPR 1956 stated that 17 industries would be exclusively reserved for public sector. ऐसा ही था? मतलब इन 17 इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर एंटर नहीं कर सकता था. अब क्या किया गया, 17 से कम करके 8, 8 से कम करके 2. नाउ ओनली 2 इंडस्ट्रीज आर सच विच कुड बी सेट अप, विच कैन बी सेट अप ओनली बाय द पब्लिक सेक्टर. दीज आर एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे.
एटॉमिक एनर्जी क्यों जरूरी है पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट को अपने पास रखने के लिए, फॉर द नेशन सिक्योरिटी। हम प्राइवेट सेक्टर को कह सकते हैं एटॉमिक एनर्जी का यूज करने को? नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा रेलवे, क्योंकि इंडिया मिडिल क्लास की पॉपुलेशन है इंडिया में मैक्सिमम, और रेलवे इज द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया। तो अगर हम ये प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे वो प्रॉफिट मोटिवेटेड होंगे, तो जो गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास है वो अपने फैमिली मेंबर्स को मिलने एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकेंगे। हाँ जी कर रहे हैं, अब विद चेंजिंग टाइम्स हमें सब कुछ ही करना पड़ेगा बेटे। ऐसे नहीं हो सकती, एक स्पेसिफिक स्टेट की नहीं हो सकती। नेक्स्ट जो हमने रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया इंडस्ट्रियल सेक्टर में, दैट वाज फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। व्हाट आर कैपिटल गुड्स? गिव वन एग्जांपल। मशीनरी इज अ कैपिटल गुड। What are capital goods which are used for further production of goods and services? So earlier, Indian firms were under lot of restrictions. अगर आपको एक बड़ी फर्म है उसको कैपिटल गुड इम्पोर्ट करना है, मशीनरी इम्पोर्ट करना है, देखो भी हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, अगर हमें एडवांस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना है तो हमें इम्पोर्ट ही करनी पड़ेगी, वो हमें मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इंपोर्ट कब कर पाएंगे? अगर हमारी गवर्नमेंट हमें अलाउ करेगी। तो 1991 से पहले कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने की फ्रीडम नहीं थी, बट इन 1991 ड्यूरिंग अमंगस्ट द लिबरलाइजेशन मेजर्स गवर्नमेंट अलाउड द कैपिटल गुड्स टू बी इंपोर्टेड फ्रीली, ठीक है। Now the firms can import capital goods, update their technology, make themselves more competitive. Okay? So again, this was one of the industrial sector reform. Then next is freedom from MRTP Act. There was an MRTP Act. Full form is Monopolistic Restrictive Trade Practices Act, Monopolistic Restrictive Trade Practices Act. ये एक्ट 1969 में आया था। मैं इसके बहुत शॉर्ट में इसकी प्रोविजंस बता देती हूँ। ये एक्ट कहता था अगर कोई अंडरटेकिंग में इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से ज्यादा है तो इसको डोमिनेंट अंडरटेकिंग का नाम दिया जाता था, Monopolistic Restrictive Trade Practices Act. Okay, time is up. We will do it tomorrow. Anyone having any doubt?